हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको एक ऐसी, देख रहे हो आप, ऐसी सब्जी बनाने जा रही हूँ जो एक स्वास्थ्यवर्धक और विटामिन युक्त और बहुत टेस्टी है। तो आप बोलेंगे कि क्या सब्जी है, तो ये है जी एलोवेरा। तो मैं बोलती हूँ आप सभी को कि एलोवेरा एक तो अपने घर में लगाना है और दूसरा महीने में एक बार इसकी सब्जी खानी है, क्योंकि ये वास्तुशास्त्र के अनुसार भी बहुत अच्छा होता है घर में लगाना। तो ये देखो, आप देख रहे हो ना, तो इसके मैंने एलोवेरा के लीफ ले लिए है और जितना जो आपको सब्जी बनानी है उतने आप ले सकते हो। और इसको बहुत अच्छे ढंग से धोना है ताकि इसमें जो पीला, इसमें थोड़ा सा पीला जल जैसा निकलता है ना, वो हमारे को बिल्कुल मतलब आधा घंटे तक ऐसे खड़े करके रखना ताकि इसका जो पीला पीला जो पदार्थ है वो सारा सारा निकल जाए। और इसको ठीक ढंग से धोना ताकि कोई डस्ट वगैरह हो तो वो भी मतलब साफ हो जाए। और इसको जो इसके कांटे हैं इनको हमारे को निकालना है। और इसको निकालना थोड़ा टफ होता है, क्यों, अगर हम चम्मच की सहायता से निकालेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा कांटे निकाल के। और हमारे को कचरा इसका फेंक देना चाहिए, मतलब कचरा भी अपनी मतलब जो गाय के सेज बनाते हैं ना वहाँ फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत मतलब सेज का काम करते हैं, दवाई का काम करते हैं, मतलब खाद का काम। तो ये देखो, ये हमने निकाल लिया है और चम्मच की सहायता से इसको बहुत ही आसान तरीका से ये देखो निकल रहा है। और ऐसे ही हमारे को सारे के सारे इसके जितने भी लीफ है इसको निकाल लेना है। और इसको हमारे को धोना बिल्कुल नहीं है, क्यों, जो इसमें रेसा है ना इसको हमारे को धोना चाहिए, ये इसकी सारी की सारी विटामिन ख़त्म हो जाती है। और अगर इसको रेसा को ख़त्म करने के लिए ना, तो मैं बताऊंगी आगे। देखो, या तो आप दही लगा लो या आप टमाटर लगा लो, मतलब उससे रेसा भी ख़त्म हो जाएगा और उसका कड़ुआपन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखो, निकाल निकाल के इसको घृत कुमारी भी कहते हैं, इसके बहुत से नाम हैं, कोई इसको क्वार पट्ठा बोलते हैं, कोई घृत कुमारी बोलते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि ये तो घी से भी बढ़कर काम करता है, हमारे को महीने में एक बार जरूर इसका सेवन करना चाहिए। और अगर इसके मैं फायदे बताऊँ तो शायद मेरी वीडियो कम पड़ जाएगी, इतने इसके फायदे हैं। कोई जोड़ों की दर्द को ठीक करता है और जो हमारे को मतलब पेट में ना कार्बन होता है हमारे भी पेट में, तो उसको बिल्कुल जैसे हाथों को साफ करता है ना और मुंह को साफ करता है, वैसे ही अंदर जो हमारे आंतों में होते हैं तो कुछ भी कार्बन है तो उसको साफ कर देता है। तो हमारे को इसलिए ज़रूर इसका सेवन करना चाहिए। तो ये देखो, ये कचरा फेंकना चाहिए और ये हो गया जी हमारा तैयार, अब हमारे बनाने को रेडी हो चुका है। और तो ये देखो, हाथ मेरे मतलब इसको काटते काटते भी इतने सॉफ्ट और मुलायम हो गए कि ये देखो, तो हमारे पेट में अगर जाएगा तो क्यों नहीं हमारे बहुत सी बीमारियों को दूर करेगा। तो ये देखो, अब मेरा तैयार हो चुका है और मैंने अपना जो सिंपल तरीके से बनाना, कोई ऐसे नहीं कोई बहुत ज़्यादा इसमें, जैसे हम सब्जी बनाते हैं वैसे ही इसको बनाना है। और मस्टर्ड ऑयल डाल दिया और मैंने तड़का तैयार कर दिया है और मैं इसको डालूंगी अब तड़के में। तो मैंने इसमें टमाटर नहीं लगाए क्योंकि मैंने दही लगाना है इसमें, अगर दही लगाएंगे ना हम या टमाटर लगाएंगे तो इसका एक तो कड़वापन ख़त्म हो जाएगा और जो रेसा था ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखो, उस ढंग से मैंने इसको मतलब बनाना है। तो मेरा अब तड़का तैयार हो चुका है। तो बस जैसे आप और सब्जियां बनाते हो वैसे सिंपल बना लो, और मगर खाओ जरूर। और कई कई तो इसका अचार डाल रखते हैं और कई इसका मीठा बनाते हैं। तो ये देखो, मेरी तैयार हो चुका है तड़का और अब मैं इसमें डालूंगी। तो आप देखोगे ना तो इसमें कोई रेसा नहीं रहेगा। तो मेरा देखो, आजकल बरसात में थोड़ा सा लकड़ी जलाना कठिन होता है,
तो ये देखो बन चुका है। आप चाहो तो इसको सूखा भी बना सकते हो, आप चाहो तो जल वाला भी बना सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा है। तो मेरा बन के तैयार हो चुका है, ये देखो अलवीरा की सब्जी, और इसमें कोई भी रेसा नहीं रहा। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर किसी अगली वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। जय हिमाचल, जय किसान।